अरे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए वेक्टर सब स्पेस के ऊपर बात करेंगे। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, वो कौन सा थ्योरम है जिसकी मदद से हम किसी भी सबसेट को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं, एंड कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं स्टूडेंट्स के वेक्टर सब स्पेस होता क्या है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब ग्रुप के विषय में पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, उसी तरह ही वैक्टर सब स्पेस भी है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास में एक वैक्टर स्पेस है वी एफ, ठीक है ना, और इस वैक्टर स्पेस का एक सबसेट है डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी। स्टूडेंट्स, तो इस सबसेट W को, इस सबसेट W को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर इस W के जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर स्पेस की उन सभी प्रॉपर्टीज को पूरा या संतुष्ट करते हो जो कि वेक्टर स्पेस बनने के लिए जरूरी है। इट मीन्स दैट इफ W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस देन W इज कॉल्ड वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स वॉट ऑफ वी एफ, यानि इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबसेट ऑफ V, देन W is said to be vector space if W is itself a vector space, okay? समझ में आया students? मतलब कि कोई भी subset किसी भी vector space का अगर अपने आप में vector space है तो उसे हम लोग vector subspace कहते हैं VF का। students, now ये तो एक definition हुई जिसको अब लोग students लिख भी सकते हैं और इस पर हमें marks भी मिल जाएंगे, लेकिन numerical questions करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम वेक्टर सब स्पेस वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए जरा हम लोग थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि वो थ्योरम क्या है जिसकी मदद से किसी भी सबसेट को हम लोग वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कर पाएंगे। इसके दो स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट, मतलब दोनों इक्वलेंट ही हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को समझते हुए फिर प्रूफ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ if and only if for all AB belongs to F and all alpha beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W students. It means that कि हम scalar लें दो और दो vectors लें W के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे W के सब elements होने चाहिए वो, तो इनका जो linear combination है वो भी अगर W में आ जाए तो हम लोग W को vector subspace कहते हैं। Now इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है कई बार, और ये पॉपुलर स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी वेक्टर सब स्पेस ऑफ V इज फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स ये दो स्टेटमेंट हैं जिसमें हम
W को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, और इफ एंड ओनली इफ यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को लेके करना पड़ेगा। तो इफ एंड ओनली इफ को जो हम लोग लेके चलते हैं स्टूडेंट, तो इट मींस दैट कि पहले हम लोगों को W को वेक्टर सबस्पेस मानना है और ये प्रॉपर्टी उसमें दिखानी है, फिर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए मानना है कि ये W में होल्ड होती है और फिर उसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये दो काम हम लोगों को लेके करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रूफ की। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग दिखाएंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है ना, मतलब जो कंडीशन है वो सबस्पेस होने के लिए जरूरी है। तो शुरुआत हम लोग यहां पर ऐसे करेंगे, लेट W be the subspace, मतलब मान लेंगे कि वो सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है ना। यहां पे वेक्टर ऑल लगा देते हैं, वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF स्टूडेंट्स। अब नाउ वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF होने के नाते फॉर ऑल अल्फा belongs to W and for all A belongs to F implies that A alpha belongs to W होगा। क्यों? क्योंकि W जो है वो वेक्टर सबस्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस है एक तरह से, तो उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एंड फॉर ऑल B belongs to not B beta वेक्टर बीटा बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू F इंप्लाइज दैट बी बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। नाउ सिंस W इज सब स्पेस, सो W is closed under vector addition, मतलब कि क्योंकि W सबस्पेस है तो उसमें वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये A अल्फा W में है, B बीटा भी W में है, सो फॉर A alpha comma B beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि W जो था वो सब स्पेस था तो उसमें वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी, सो दैट्स व्हाई ये दोनों एलिमेंट अगर W में है यानी वेक्टर्स हैं तो उनका एडिशन भी W में होगा, यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है, नेसेसरी है। अब अपोजिट में सफिशिएंट पार्ट, यानी कि W को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है, मतलब कि अगर वो केवल W केवल एक सबसेट हो तो उस सबसेट को इस केवल एक अकेली कंडीशन के साथ में सबस्पेस प्रूफ किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। लेट अब ये मान के चलेंगे, लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा ओके बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप वन कह दीजिए, इस प्रॉपर्टी को, मतलब कि ये जो कंडीशन है इसको वन कह दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब नाउ इसमें हम लोग बारी बारी से अब सब चीजें रखेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा। अब आप इसमें बच्चों क्या रखिए, पुट ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। इसमें a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू माइनस वन रखो तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a जीरो प्लस माइनस वन बीटा।
तो ए जीरो टू जीरो और ये माइनस वन बीटा माइनस बीटा, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस बीटा और ये किस में आ जाएगा, डब्लू में। मतलब कि क्योंकि बीटा डब्लू में था और माइनस बीटा भी डब्लू में आ गया, मतलब कि हर एलिमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स भी डब्लू में है, ठीक है, यानी इनवर्स एलिमेंट आ गया प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट आ गया किस में, डब्लू में। नाउ नंबर टू, इसको आप नंबर वन ले सकते हैं ना, नंबर वन। नाउ नंबर टू, पुट ए इज इक्वल्स टू जीरो, बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल्स टू जीरो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को मिलेगा जीरो अल्फा जीरो बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो दिस एंड जीरो दिस इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। मतलब कि जीरो प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब डब्ल्यू में जीरो वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि डब्ल्यू में इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में है अवेलेबल। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा है एडिटिव लॉ, ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं। नंबर थ्री, क्या पुट a इज इक्वल्स टू, नॉट a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू वन, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a वन इंटू ए प्लस वन इंटू, सॉरी नॉट a, अल्फा अल्फा बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू w। मतलब कि जो w है वो एडिशन यानी वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है प्लस के रिस्पेक्ट में और इनवर्स एलिमेंट भी कर रहा है। बाकी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ये तो उसमें होल्ड होंगे ही होंगे। क्यों होंगे होल्ड, क्योंकि जो W है वो V का सबसेट है और सबसेट होने के नाते W में वही एलिमेंट्स हैं जो कि V में है, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी V में अगर सेटिस्फाई हो रही है तो W में भी ऑटोमेटिकली होगी, ये सेट थ्योरी का रिजल्ट होता है। तो यहां पर स्टूडेंट जो मेन चीज थी इनवर्स आइडेंटिटी है ना और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज, वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स सिंस वी नॉट वी डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन inverse of vectors and identity या फिर ये कहें कि zero vector hold in W और बाकी, so this implies W is abelian. W is abelian group with respect to addition. ठीक है ना? W is abelian group with respect to addition of vectors. तो ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करी। अब इसे वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या और दिखाना है? बस कुछ चीज और बची है। नाउ इसमें अगर स्टूडेंट्स हम लोग a इज इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, नाउ पुट a इज इक्वल्स टू जीरो, तो a इज इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिल जाएगा a जीरो अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो वेक्टर बन जाएगा प्लस दिस वन, तो हमारे पास केवल b बीटा और दिस वन बिलोंग्स टू w। मतलब कि एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी W में उपस्थित है या मौजूद है। दिस इंप्लाइज W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो तो होल्ड होंगे ही होंगे, क्योंकि स्केलर्स भी v के, क्योंकि स्केलर्स जो हैं और जो वेक्टर्स हैं वो सब w v के ही एलिमेंट्स हैं,
तो v के एलिमेंट्स और f के एलिमेंट्स मिलके अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो वो w में भी होल्ड होंगे ऑटोमेटिकली। तो मेन जो चीज़ें थी स्टूडेंट सबस्पेस होने के लिए कि w को प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दी है। तो आप लोग इन सब के साथ में जो शब्द मैंने यहाँ पर बोले हैं आप उनको यहाँ पर लिखते हुए क्या कि सिंस W is a subset of V and all the elements of V holds distribution law with respect to plus and dot. So these laws are hold in W also. Now W is a subset which has following properties. W is a abelian group with respect to plus. W is closed under scalar multiplication and W holds all the distribution laws. So W is subspace, W is vector space. So subspace also, ठीक है ना? मतलब कि W क्या हो गया बच्चों? सब स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस बन गया है। तो अगर वो वेक्टर स्पेस बन गया है अपने आप में, और क्योंकि वो सबसेट था V का, इसलिए वो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी सबसेट जो कि किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो, अगर उस सबसेट को हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम हमारे काम का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ किया, और इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल या जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में मदद करेगा। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये किसी भी सबसेट को, कोई भी वेक्टर स्पेस का सबसेट लें तो उसको सब स्पेस प्रूफ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, और इस थ्योरम की मदद से किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें दो स्केलर्स की मदद चाहिएगी और दो उसी सबसेट के एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इस कॉम्बिनेशन को भी अगर हम उसी सबसेट में दिखा दें तो उस सबसेट को हम वेक्टर सबस्पेस कहेंगे। अब आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखें, जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है शो दैट द सेट W इज इक्वल्स टू A, B, 0, such that A, comma B belongs to is a subspace of V3F. ठीक है, V3F. मतलब स्टूडेंट्स कि अगर W की बनावट ऐसी हो कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं, तीन टपल के फॉर्म में है, थ्री टपल्स हैं, यानी तीन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें। दैट्स वाई अगर तीन कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी सब स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, तो यहाँ पे वो V3 लिखेगा। इट मींस दैट कि V इज अ वेक्टर हैविंग थ्री टपल्स, ठीक है ना? तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये जो W है जिसमें कि A, B, कॉमा 0, जहाँ A और B स्केलर्स हैं, टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो वेक्टर सब स्पेस है स्टूडेंट्स। तो इसे दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही आसान सा एक तरीका अपनाएंगे। क्या? Let alpha is equals to a1 b1 0 beta is equals to a2 b2 0, that is alpha comma beta belongs to W and a b belongs to F. Now, अब हम लोग ए अल्फा प्लस बी बीटा का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और देखते हैं कि इससे जो नया एलिमेंट बनता है वो कहां पर होगा। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा मतलब कि ए ए वन बी वन जीरो प्लस बी ए टू बी टू जीरो इज इक्वल्स टू ए ए वन कॉमा ए बी वन कॉमा जीरो, क्योंकि ए इंटू जीरो इज जीरो, तो आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, प्लस बी ए टू कॉमा
बी बी टू कॉमा बी इंटू जीरो जीरो, क्योंकि दो स्केलर्स जिसमें से एक जीरो, उनका प्रोडक्ट जीरो ही होता है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए ए वन. अब ये प्लस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में. ए ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन प्लस बी बी टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो प्लस जीरो इज जीरो. आप जीरो लिख सकते हैं. नाउ लुक एट स्टूडेंट, दिस एलिमेंट एक खास तरह की बनावट के साथ में है. ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. स्केलर का प्रोडक्ट फिर उनका सम भी एक स्केलर होता है. इट मींस दैट सिंस फॉर ऑल ए वन बी वन ए टू बी टू ए बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज दैट ए ए वन प्लस बी ए टू बिलोंग्स टू एफ एंड ए बी वन प्लस बी बी टू बिलोंग्स टू एफ. मतलब कि ये एलिमेंट यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या होगा, स्केलर होगा स्टूडेंट्स. तो यहां से बच्चों अगर ये स्केलर है तो इट मींस दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन प्लस बी बी टू कॉमा जीरो बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्टूडेंट्स. क्योंकि डब्ल्यू में किस तरह के एलिमेंट हैं, ये एफ का एलिमेंट होना चाहिए, ये एफ का एलिमेंट होना चाहिए और तीसरे नंबर पे जीरो होना चाहिए. और हमने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया तो इस कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट निकला दिस वन और जीरो, ये तीनों ही किस में है, ये तीनों ही एफ में है. तो इसका मतलब ये हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एन. ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोगों को दिखाना था कि जो W है वो सब स्पेस है VF का. और इसे दिखाने के लिए हमने किसकी मदद लिया, इसी रिजल्ट की मदद लिया जिसको हम लोग अभी थ्योरम की मदद से प्रूफ करके आए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हुआ वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कैसे करते हैं या दिखाते हैं किसी भी सबसेट को. आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे क्योंकि ज्यादातर आपको जो सेट मिलेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड मिलेंगे. ठीक है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है. ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो मैथमेटिकल है, ऐड और सब ये सारे. टपल को एडिशन करना और टपल को मल्टीप्लाई करके ऐड करना ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि पहले ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ इस वैक्टर में एंड देन इसके बाद ये हमें मिला एंड देन फिर इनको जोड़ना, ये कैसे जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं टपल को टपल से. राइट स्टूडेंट्स, तो एक और छोटा सा यहाँ पे मैं आपको हिंट करके जाऊंगा. जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास में ये दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि एक W है जिसमें कि इस तरह के एलिमेंट जिस तरह इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं A, B, माइनस बी और A, है ना, सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू F. मतलब कि ये जो W है ये एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस M टू F का. और M टू F का मतलब क्या है, M टू F इज a वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. मतलब ये जो M टू F है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा स्पेस है और अपने आप में वेक्टर स्पेस है. मतलब M टू F में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने आप में 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं और उन 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में से ऐसे मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन ए ए माइनस बी एंड बी, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स से बनेगा सबसेट वो सबसेट अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा. ये हमें प्रूफ करना है, ये एक सेकंड एग्जांपल है. तो इसमें बच्चों हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो एलिमेंट्स लेंगे. आप दो एलिमेंट्स इस तरह के लीजिए, आप ले लीजिए पहले तो अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, आप ले लीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू ए वन बी वन माइनस बी वन ए वन, है ना, क्योंकि जो यहां होता है वो यहां, जो यहां होता है यहां लेकिन माइनस साइन के साथ. और बीटा ले लीजिए ए टू बी टू
माइनस बी टू एंड ए टू, तो ए हो गया बी हो गया। नाउ अब ये कॉम्बिनेशन बनाइए बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाइए, ये कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा, और इसमें से ए और बी क्या है, दोनों स्केलर हैं, तो ए ए वन बी वन माइनस बी वन ए वन प्लस बी ए टू बी टू माइनस बी टू एंड ए टू, ठीक है ना। अब ये ए का स्पूरे मल्टीप्लाई इस बी का स्पूरे मल्टीप्लाई, तो इन जब को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास में ये आ जाएगा ए ए वन प्लस बी ए टू ए बी वन प्लस बी बी टू माइनस बी वन सॉरी माइनस ए बी वन एंड माइनस बी बी टू, और यहाँ पर आ जाएगा ए ए वन प्लस बी ए टू। तो लुक स्टूडेंट्स, ये सब स्केलर्स थे, ये भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, और इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो स्केलर है ए बी वन प्लस बी बी टू, ए बी वन प्लस बी बी टू, अगर हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, यानी जो यहाँ पर है वो यहीं पर है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, जो यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर है। इट मीन्स दैट कि दिस एलिमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, मतलब कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्लू, है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की जो बनावट है वो वैसी ही है जैसे कि डब्लू के लिए डिफाइन की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि W जिसके के एलिमेंट्स इस तरह के हैं वो अपने आप में एक वेक्टर सबस्पेस है, और इसे प्रूफ करने के लिए फिर हमने इसी रिजल्ट का यूज किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इन दो एग्जांपल्स की मदद से दो सबसेट्स को, जो कि वेक्टर स्पेस के ही सबसेट्स थे, उन्हें वेक्टर सबस्पेस प्रूफ किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक छोटा सा जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी वेक्टर स्पेस के अगले लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे, आप अपनी क्वेरीज हमसे बाय मेल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।